असुरन पोखरा पर हुए अतिक्रमण और उस भूमि पर कॉलोनी बनाकर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि के मालिक ऋषभ जैन से लगातार पोखरे के बराबर भूमि की मांग को शुक्रवार को पूरा करते हुए ऋषभ जैन के पुत्र ने प्रशासन द्वारा 29 जनवरी तक पोखरे के बराबर की भूमि के अल्टीमेटम को शुक्रवार को पूरा करते हुए तहसील सदर क्षेत्र में 4 जगहों के भूमि के कागजात एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल को सौंपा। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कॉलोनी वासी भी मौजूद रहे। इस संबंध में एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि 2010 के अनुपालन के क्रम में शुक्रवार को भूमि के मालिक ने सदर तहसील में 4 स्थानों के भूमि के कागजात दिए हैं। जमीनों की जांच कराकर उसे डीएम और कमिश्नर को भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, खेती के लिए तो आप कह रहे हो मेरे मैदान कर देंगे, एरिया के पास इंतजाम कर देंगे, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए सीमा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, अलग अलग मेंशन किया। 2010 में जब ये फैसला हुआ था आयुक्त महोदय का, तो 2010 की जो उस टाइम की रेट थी, सर्किट रेट थी 2010 की, उसके अनुसार 2010 के सर्किट रेट के अनुसार उस मालिकियत की जमीन के बराबर मूल्य की जमीन हमें चाहिए। जैसे मान लेते हैं उस टाइम पे अगर 1 लाख रुपए की जमीन थी तो हमें 1 लाख रुपए की जमीन चाहिए। अब वो उस जमीन का क्षेत्रफल उससे ज्यादा हो या कम हो वो कोई मैटर नहीं करता है, बस मूल्य जो है, जो मार्केट मूल्य रहेगा, सर्किट रेट के हिसाब से जो मूल्य रहेगा, उसके बराबर की भूमि आप हमें उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो प्रस्ताव लेके आए हैं, तीन उसमें एक कॉलम ये बढ़ा लीजिए कि उसमें सर्किट रेट के हिसाब से उस जमीन की जो मालकियत है कितनी हो रही है तीनों के, और जो उस टाइम पे सर्किट रेट थे उसके हिसाब से आपकी जमीन की कितनी मालकियत थी, तो हमें कंपेरिजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें कमेटी बना लेंगे, उसमें ऐसा करो। आज असुरन पोखरे के संदर्भ में सभी लोग मिलने आए थे, तो 4 उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं, 4 अलग अलग ज़मीनें हैं। तो चूंकि हमने बता दिया कि 2010 के जो सर्किल रेट थे, जो ज़मीन की मालकियत की, उसके मालकियत के बराबर की ज़मीन हमें चाहिए, तो उसमें उन्होंने फिर हमने बोला कि 4 ज़मीनें हैं इनकी मालकियत के साथ इसमें आप सूची दीजिए, तो अभी हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो उसमें मालकियत के बराबर की सूची को देखते हुए जो ज़मीन चारों में से जो अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, उसको हम ले लेंगे और उसका प्रस्ताव फिर हम कमिश्नर सर को लेटर लिख के दे देंगे कि इसका अनुपालन करा लिया गया है और उसको सरकारी खाते में दर्ज करके पोखरे के रूप में या तालाब के रूप में उसको डेवलप करवाया जाए। तो ऐसा संदर्भ लेते हुए कमिश्नर सर और डीएम सर को हम वो लेटर भेज देंगे और जो अनुपालन था 2010 का उसका हम करा लिया जाएगा। सर, इसमें कोई इस तरह की आगे का डेट दी है कि कागज जो चेक होगा आगे कोई कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, उसमें अब देखिए कागज का, अब जो जमीन दीजिए, जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं उस ज़मीन के बारे में हम पहले जांच कराएं कि ऐसा तो नहीं ज़मीन को कहीं और बंधक लगाया बनाया गया हो, या फिर उस ज़मीन के बारे में क्या उसकी नवैयत है, क्या उसकी मालकियत है, क्या उसका ओनरशिप है। तो ज़मीन हमें वाद रहित चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी में वाद हो उसकी ज़मीन को हमें दे दें। तो ये जब हमारे लेखपाल और तहसीलदार इसको प्रमाणित कर देंगे कि जो उक्त ज़मीन जो दी जा रही है वो सभी वाद रहित हैं, विवाद रहित हैं, तो उसमें से जो सबसे अच्छी ज़मीन जो हमें लगेगी उसको हम लेके उसका प्रस्ताव बनाकर कमिश्नर सर को हम भेज देंगे लेटर कि सर 2010 का जो अनुपालन है वो तहसील के द्वारा अब करवा लिया गया है, इसको हम अब तालाब के रूप में विकसित करेंगे और उसकी खतौनी में उसको हम इंदराज करा देंगे तहसील के नाम पर कि ये तहसील के द्वारा किया गया है। जमीनें जो दी गई तहसील क्षेत्र में वो तहसील सदर के क्षेत्र में है, ऑब्वियसली हमने पहले ही उनकी कंडीशन रख दी थी कि जितनी भी ज़मीनें हों वो तहसील सदर के क्षेत्र में ही हों और इसमें फिर हम ज़मीन को लेकर तालाब के रूप में विकसित करेंगे। अगर ये होता है तो बहुत ऐतिहासिक रहेगा, अभी तक का इस तरीके का प्रकरण अभी खासकर जहाँ तक हमें नॉलेज है गोरखपुर में नहीं हुआ है, तो एक तालाब के संवर्धन, तालाब के संरक्षण में अच्छा कदम रहेगा।